गेंदा फूल की खेती भारत एवं बिहार में सबसे प्रमुख व्यावसायिक फूलों में से एक है। गेंदा फूल की खेती पटना जिले में काफी हेक्टर भूमि में की जा रही है। आत्मा किसानों को हर संभव मदद भी कर रहा है। आमदनी के चलते करते हैं, उससे आमदनी कुछ ज्यादा है, इसी चलते फूल में खेती करते हैं। फूल का ऐसे तो गेंदा फूल है सबसे अथी, गेंदा के करते हैं। उसके बाद में है हर एक अथी का क्वालिटी का है। दूसरा बात है कि उसका नाम अनेक है, आठ प्रकार का होता है फूल, जिसमें आठ गो के रोपे करते हैं, आठ किस्म के, आठ वैरायटी का। तो उसमें है एगो गेंदा है, चिन्ना है, चेरी है, मुंगरा है, जाफरी है। सबसे अच्छा रहता है गेंदा गर्मा का, गर्मा गेंदा का फूल होता है, वो कम से कम 2-2.5 बीघा रोपते हैं। ये सब अभी अभी सीजन में है कि ये सब बरसात के वजह से कम कम रोपाता है, और गर्मा गेंदा के खेती ज़्यादा होता है, वो करीब करीब 2.5-3 बीघा तक करते हैं। हम सब मंडी में बेचते हैं, महावीर स्थान पटना जंक्शन। आत्मा वाला आ करके इधर बताते हैं कि ऐसे ऐसे खेती कीजिए, और यही गेंदा का कभी कभी गाछी उछी के बारे में बताते हैं, दवाई वाई के बारे में बताते हैं। इसका उपयोग माला, लरी, गजरा इत्यादि के रूप में की जाती है। इसके अलावा बुके बनाने में, फूलदान सजाने, पुष्प सज्जा के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। गेंदा के औषधीय गुण, अपनी औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। गेंदा की खेती के लिए दोमट मटियार दोमट एवं बलुआर दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। भूमि की तैयारी, भूमि का समतल करने के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 बार देसी हल जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें, तथा सुविधा अनुसार उचित आकार की क्यारियां बना ली जाती है। व्यवसायिक किस्म, अधिक उपज लेने के लिए परंपरागत किस्मों की जगह केवल सुधरी किस्में ही बोनी चाहिए। इसकी उन्नत किस्में इस प्रकार है। अफ्रीकन गेंदा, इसके पौधे के अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी और पंखुड़ियां वाले पीले एवं नारंगी रंग का होता है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यवसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बसंती और कलकतिया अफ्रीकन येलो मुख्य है। फ्रांसीसी गेंदा, इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, किंतु इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाते हैं। इस प्रजाति के उन्नत किस्में रेड बॉकेट और कपीड, येलो ब्लोरो, बटन स्कोच प्रमुख है। खाद एवं उर्वरक, गेंदा की अच्छी उपज हेतु खेत की तैयारी से पहले 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए। तत्पश्चात 120 से 160 किलो नेत्रजन और 60 से 80 किलो फास्फोरस एवं 60 से 80 किलो पोटास का प्रयोग प्रति हेक्टर की दर से करना चाहिए। प्रसारण, गेंदा का प्रसारण बीज एवं कटिक दोनों विधों से होता है। इसके लिए 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। 500 वर्ग मीटर के बीज सैयया में तैयार किया जाता है। बीज सैयया में बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब कटिंग द्वारा गेंदा का प्रसारण किया जाता है, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कटिंग नए स्वच्छ पौधे से लेना चाहिए, जिसमें मात्र 1 से 2 फूल खिला हो। कटिंग का आकार 4 इंच लंबा होना चाहिए। इसके कटिंग पर रूटेक्स लगाना चाहिए। रोपाई, गेंदा फूल
खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में बाजार की मांग के अनुसार उगाया जा सकता है। इसके लगाने का उपयुक्त समय सितंबर अक्टूबर है। विभिन्न मौसम में अलग अलग दूरी पर गेंदा लगाना चाहिए। खरीफ जून से जुलाई 60x45 सेंटीमीटर, रबी दिसंबर अक्टूबर और 45x45 सेंटीमीटर, जायद फरवरी मार्च 45x30 सेंटीमीटर में लगाना चाहिए। सिंचाई, खेत की नमी को देखते हुए 5 से 10 दिनों के अंतराल पर गेंदा में सिंचाई करनी चाहिए। पीचिंग, रोपाई के 30 से 40 दिनों के अंतर पौधे की मुख्य सांकीय कली को इस प्रकार तोड़ देते हैं। इस क्रिया से यद्यपि फूल थोड़ा देर से आएंगे, परंतु प्रति पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। निकाई गुड़ाई, लगभग 15 से 20 दिनों पर आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे भूमि में हवा का संचार ठीक ढंग से होता है एवं वांछित खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। रोपाई के 60 से 70 दिनों पर गेंदा में फूल आता है, जो कि 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। कीड़े, लीफ हॉपर रेड स्पाइडर इससे काफी नुकसान पहुंचाती है। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियॉन 0.1% का छिड़काव करना चाहिए।